गर्मी का मौसम था, शदीद गर्मी हो रही थी। इतने में एक कौवा उड़ता हुआ ज़मीन पर आया। कौवा बहुत ही प्यासा था। ज़मीन पर उतर कर सोचने लगा कि मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं क्या करूं? पहले मैं पानी को तलाश कर लेता हूं, फिर उड़ूंगा। कौवे ने इधर देखा, फिर उधर देखा। अचानक कौवे की नज़र एक शीशे के जार पर पड़ी, जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा बहुत खुश हो गया। कौवा जल्दी से उड़ा और जग पर जाके बैठ गया। कौवे ने पानी को देखा और खुश हुआ। कौवे ने खुशी में अपनी चोंच जब जग में डाली तो चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवे ने सोचा कि फिर से चोंच डालता हूँ। कौवे ने फिर चोंच डाली, लेकिन फिर भी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। फिर कौवे ने सोचा कि जग को हिलाऊंगा तो पानी गिर जाएगा, जग टूट जाएगा। अचानक कौवे को कंकड़ पे नज़र पड़ी। कौवा उड़ के गया। कौवे ने एक कंकड़ अपने चोंच में दबाया और शीशे के जग पर जाके बैठकर डाल दिया। जब कंकड़ पानी के अंदर गया तो थोड़ा सा पानी ऊपर की साइड पर हो गया। कौवे ने जब ये देखा तो एक एक कंकड़ करके उस पानी की जग में डालता रहा और पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता रहा। कौवे ने सारे कंकड़ जब जग में डाल दिए तो सारा पानी जब ऊपर आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास को बुझाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कौवा बहुत खुश था।